हैं टर्म फॉर्मूला। फॉर्मूला आखिर किसे कहा जाता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला कई बार आपने सुना होगा भाई, वाटर का फॉर्मूला H2O, CO2 का फार्मूला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो फार्मूला कुछ ना कुछ तो होता है। अब आखिर ये क्या होता है? तो हमारी डेफिनेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्सटेंस क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। यानी किसी भी सब्सटेंस को कुछ सिंबल्स के जरिए बताना, उसे उसका फार्मूला कहा जाता है। किसी भी सब्सटेंस को कुछ सिंबल्स के जरिए बताना, जैसे मैं कहता हूँ वाटर, अब हर जगह वाटर ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा? H2O। तो वाटर का सिंबल है H2O। अब वाटर के अंदर कोई ये शेप थोड़ी होती है, कोई ऐसे थोड़ी होता है कि H बना हुआ है, दो बना हुआ है, O बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये वाटर है। तो किसी भी चीज़ को कुछ सिंबल्स के जरिए बताना। अब इस सिंबल का फायदा क्या होता है? यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव, और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हमें मालूम पड़ता है कि ये किस तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। अगर मैं H2O लिखता हूँ तो मुझे देख के मालूम पड़ गया कि भाई इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, यानी मुझे मालूम पड़ा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एलिमेंट, कि भाई उन एलिमेंट का कितना अमाउंट है। मुझे मालूम पड़ा कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो मेरे पास 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 16 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है ना, मैं इसको ग्राम में ले लूं। तो किसी भी कंपाउंड के फार्मूले की एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है और उसका अमाउंट क्या है। इसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के नाम से पहचाना जाता है। तो होपफुली अब आप जान चुके हो कि फार्मूले क्या होते हैं। फार्मूले हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक होता है जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से पहचानते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। देखो बेटा, फार्मूले वैसे आपके पास बहुत तरह के हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, न्यूमेंस फार्मूला, साहर्स फार्मूला, और उसके अलावा हम कहेंगे स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, कई तरह के फार्मूले हैं। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में हम जो बात कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हैं, उसे बताने वाले फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। और एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है सिंपल रेशो बिटवीन द एटम, कि उन एटम के बीच में क्या सिंपल रेशो है, उसे एम्पिरिकल फार्मूला। तो अच्छे समझ जाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इट टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, और एम्पिरिकल फार्मूला इट टेल्स अस अबाउट द सिंपल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे देखो, मैं कहता हूं ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। और अगर मैं इसका सिंपल रेशियो निकालूं 6:12:6, तो सिंपल रेशियो क्या बनेगा? 1:2:1 CH2O, 1 को बेशक से ना लिखो, CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट। ऐसे ही मैं कहता हूं एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड का वैसे तो आप फार्मूला जानते हो CH3COOH, स्ट्रक्चर CH3COOH, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं C2H4O2, चाहे ऐसे लिख लो
या सी एच थ्री सी ओ एच लिख लो, वो आपकी मर्जी है, सी टू एच फोर ओ टू। और सिंपलेस्ट रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, सी एच टू ओ, टू 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 पे जाएगा, वन पे जाएगा सी एच टू। तो किसी भी कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हैं उसको बताने वाले फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और उसमें कितने सिंपल रेशियो है उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, इनमें से प्रेफरेबल कौन है, प्रेफरेबल कौन है? अब जरा सोच के देखो, मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर पे मैंने लिख दिया CH2O, और आपसे कहा कि भाई बताओ ये ग्लूकोज है एसिडिक एसिड है। मैंने कंटेनर लिया, रख दिया, दूर रख दिया, आपसे कहा कि CH2 लिखा हुआ है, पता लगाओ कि ये क्या है, क्या ये ग्लूकोज है या एसिटिक एसिड है? एम्पिरिकल फार्मूला तो दोनों का सेम है, एम्पिरिकल फार्मूला तो दोनों का सेम है, आप कह ही नहीं सकते कि ये ग्लूकोज है, एसिटिक एसिड है या कोई और कंपाउंड है, कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस कंटेनर पे मैं ऐसे लिख देता C6H12O6, तो आप तुरंत समझ जाते कि भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल को पहचानना मुश्किल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, इस वजह से इनको पहचानना आसान होता है। सो वी प्रेफर मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को प्रेफर करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चीज़ों के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, केन शुगर हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ऐसे केस में प्रेफरेबल होता है स्टीरियोकेमिकल फार्मूला। लेकिन अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, ये तब की बात है, आपके लेवल की ये बात नहीं है। आपके लेवल पे तो इतना ही याद रखना है, यही आपके एग्जाम में आना है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा, एक सिंपल रेशियो बताएगा। अब प्रेफरेबल कौन होगा, प्रेफरेबल होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला कई कंपाउंड्स का एक जैसा हो सकता है, जिससे इसको पहचानने में हमें दिक्कत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस सीखा। अब मैं एक आध न्यूमेरिकल करता हूँ, पहले एम्पिरिकल फार्मूला के बेसिस पर न्यूमेरिकल करता हूँ, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन बताएंगे, और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो यहाँ जो मेथड बताऊँगा उस मेथड को सीखना। पहले सीखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इसको बताने के लिए आपको एक टेबल का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। सबसे ऊपर आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको सिंबल लिखना पड़ता है, इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखनी पड़ती है, इसके बाद मोलर मास कह लो, एटॉमिक मास कह लो, फार्मूला मास कह लो। फिलहाल मैं एटॉमिक मास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास के बराबर होते हैं। इसके बाद आपको सिंपल रेशो निकालना होता है, सिंपल रेशो, और लास्ट में आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपको बताना होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताना होता है। अब ये टेबल के फॉर्मेट को यहां से अच्छे से याद कर लो, जो मैंने बताया है आपको, नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। सीरियल नंबर, सिंबल, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास से निकालेंगे। सिंपल रेशो सिखाऊंगा अभी क्या होता है, किस तरह से क्या है ये आपको बताता हूं अभी। और इस तरह से फिर हमने यहां सीखा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी निकालना अभी आपको सिखाते हैं। देखिए, सपोज मैं यहां पर क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सोडियम 43.4%, कॉमा कार्बन 11.3%, सोडियम 43.4%, कार्बन 11.3%। आपको बताना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। देखो यहाँ जो बात बता रहा हूँ ना, वो बिल्कुल वही बात है जो हम बैच में बताते हैं।
जिसको यूट्यूब के वीडियोज़ पे कई लोग हाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको वही बात इस वक्त बता रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझना। अब आपने इस टेबल को फॉर्मेट को फिलअप करना है, कितने एलिमेंट दिए गए हैं, दो, सोडियम और कार्बन, तो सीरियल नंबर वन एंड सीरियल नंबर टू, वन एंड टू, सिंबल एक सोडियम है और एक कार्बन है, परसेंटेज 43.4 एंड 11.3, ये परसेंटेज दी गई है। अब मैं यहाँ आपको जो बात बताता हूँ उसको ज़रा ध्यान से सीखना, यहीं पर गड़बड़ी होती है, पहली गड़बड़ी यहीं पर होती है। इस परसेंटेज के सम को देखो, इट शुड बी 100, ये जो परसेंटेज है ना, आगे बाद में बढ़ना, पहले यहीं पर देखना, ये जो परसेंटेज है इसका सम 100 होना चाहिए। अगर ये 100 नहीं है, इसका मतलब एक एलिमेंट और होगा जो हमेशा ही ऑक्सीजन होगा, हमेशा ही, ऑलवेज, ध्यान रखना। हम देख रहे हैं कि ये सम 100 नहीं है, अगर ये सम 100 नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि एक एलिमेंट और होगा जो हमेशा ही ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है अभी मैंने सिखाया था, 100 माइनस सम ऑफ रिमेनिंग परसेंटेज, यानी इन दोनों के सम को 100 में से माइनस कर दो, तो अगर 100 में से मैं इन दोनों के सम को माइनस करता हूँ, 45.3% ये इसकी परसेंटेज निकल के आती है। ये पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी गलती होती है, इस पॉइंट को यहीं पर अच्छे से कर लो, गलती नहीं होगी। एटॉमिक मासेस सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। दूसरी गलती यहाँ होती है, बच्चे एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर फिलअप कर लेते हैं, आपको एटॉमिक मास फिलअप करना है 16। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज है 43.4, एटॉमिक मास है 23, परसेंटेज है 11.3, एटॉमिक मास है 12, परसेंटेज है 45.3, एटॉमिक मास है 16। और जब आप इसको करेंगे सॉल्व, 1.887 आएगा, 0.9417 आएगा, 2.831 आएगा, 2.831 ये आएगा आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो डेटा की मैंने फिलअप किया, सम 100 है या नहीं, अगर 100 है, 99.9 है, 99.8 है, 99% है, आगे बढ़ गए, नहीं है तो ऑक्सीजन भी होगा, रिमेनिंग परसेंटेज, एटॉमिक मास लिखे, और इस तरह से रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ किया। अब सिंपल रेशो, सिंपल रेशो में क्या करना है, ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आए हैं इनमें जो सबसे छोटी टर्म है उससे सबको डिवाइड कर देना, ये मैथमेटिकल है, इनमें जो सबसे छोटी टर्म है, सो यू कैन अंडरस्टैंड 1.887 डिवाइडेड बाय 0.9417, सबसे छोटी टर्म कौन सी है, 0.9417, 0.9417, 0.9417, 2.831 और 0.9417, तो हमने सबसे छोटी टर्म से इसको डिवाइड कर दिया, सबसे छोटी टर्म यानी 0.9417, कितना आएगा, 2 आएगा, और कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, 2, 1, 3 ये हमारे पास आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का सीख लो, अगर सपोज ये 2.1 होता तो आप इसे होल नंबर में कन्वर्ट करते हो, होल नंबर क्या होता है, 2, अगर ये 1.9 होता तो होल नंबर में कन्वर्ट करते हो, वो भी क्या होता है, 2, अगर ये 1.9 होता तो इसको आप किस में कन्वर्ट करते, 2, यानी अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आपको इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखो। एक बात मेरी बहुत गौर से इस बात को नोट कर लेना, ये क्वेश्चंस के दौरान आएगी, अगर इनमें से कोई भी 0.5 में होता, जैसे 1.5 होता, 0.5 में होता, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर कोई 0.5 में होता, तो आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि एटम फ्रैक्शन में नहीं मिलते, एटम होल नंबर में मिलते हैं, होल नंबर में करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता। इस केस में क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये सभी होल नंबर हैं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में 2 आएगा, यही आएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।
इंपीरिकल फार्मूला आपका क्या बनेगा? इंपीरिकल फार्मूला देखो, ये बनेगा सोडियम कितने हैं? दो। सो दिस इज एन ए टू, सोडियम दो। कार्बन कितना है? वन। एन ए टू सी वन। ऑक्सीजन कितना है? थ्री। और आप इसको लिख सकते हो एन ए टू सी ओ थ्री। ये आपके पास यहाँ पे इसका इंपीरिकल फार्मूला आएगा। ये इंपीरिकल फार्मूला इस तरह से हम कह पाएंगे। तो आपको इंपीरिकल फार्मूला ऐसे सॉल्व करना सीखना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इस तरह के फार्मूले को आपको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। बुक में ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल भी हैं, तो वो एग्जांपल भी आपको यहाँ आने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो बाद में सेव कर लेना। अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और फाइंड आउट करना सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, फिर इस पर दोबारा से लौट के आएंगे। एक छोटी सी चीज, अब इस बात को सीखना, रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेरी इस बात को ध्यान रखना जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब याद रखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इन टू इंपीरिकल फार्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, आपको एम्पीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको सिखाया, एन इन टू इंपीरिकल फार्मूला। नाउ व्हाट इज एन? एन होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। जो आपने एम्पीरिकल फार्मूला निकाला, जैसे पिछले केस में एम्पीरिकल फार्मूला एन ए टू सी ओ थ्री आ गया, इसके एटॉमिक मासेस का सम कर दो, वो एम्पीरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पीरिकल फार्मूला मास, अगर एटॉमिक मासेस का सम कर देते हैं, अभी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो एन की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला एन की जगह आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पीरिकल फार्मूला मास इंटू एम्पीरिकल फार्मूला। ये पहला मेथड। एक बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने मॉलिक्यूलर मास में बताया था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह मैं लिख सकता हूँ टू इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पीरिकल फार्मूला मास इंटू एम्पीरिकल फार्मूला। ये दूसरा आपका फार्मूला आ गया। ये डेरिवेशन भी स्कूल लेवल एग्जाम में आता है कि हाउ टू डेराइव रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पीरिकल फार्मूला मास। रिलेशन को कैसे डेराइव करोगे? तो ये आपको रिलेशन आना चाहिए। तो अब मेरे आगे बढ़ने से पहले, अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ये दो बातें याद रखना। अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो पहले एम्पीरिकल फार्मूला निकालना होगा। स्टेटमेंट में अगर मॉलिक्यूलर मास दिया गया है तो फार्मूला नंबर वन को आप ऊपर लेके जाएंगे, और अगर स्टेटमेंट में वेपर डेंसिटी दी गई है तो फार्मूला नंबर टू को ऊपर लेके जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से अपने न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे, तभी आप इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो वापस हम इधर ही आते हैं, और आपका जो न्यूमेरिकल है वो देखो ये है, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%, मॉलिक्यूलर मास इज 180, फाइंड आउट एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, मॉलिक्यूलर मास इतना है, आपको एम्पीरिकल फार्मूला बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इतना जानते हैं कि भाई पहले तो हमें एम्पीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना ही करना है। एम्पीरिकल फार्मूला करते हैं, फॉर्मेट सामने है, दो एलिमेंट हैं, सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर टू, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, परसेंटेज 40, 6.66। अब क्या बताया था, सम 100 है या नहीं? सम 100 नहीं है। अगर सम 100 नहीं है तो एक और एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। 100 में से इनकी परसेंटेज को माइनस कर दो, 53.34 ये ऑक्सीजन की परसेंटेज।
एटॉमिक मासेस 12, 1, 16. रिलेटिव नंबर ऑफ मोल परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास यानी 40/12, 6.66/1 और ये 53.4 है, 53.4/16 ये रहा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3.33, 6.66, 3.33 रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। सिंपल रेशो में कैसे कहा था, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, 3.33। सो वी कैन से 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33 एंड सो ऑन। और ये सॉल्व करें कितना आएगा, 1, 2, 1। क्या कोई फ्रैक्शन में है, नहीं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में भी 1, 2 और 1। ना एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन एक C1H2O एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहीं पर पहले निकाल लो एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 1 × 2 + 16 और ये कितना आएगा, 30 आएगा। अब निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बताए मैंने दो फार्मूले, आइदर मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी वाला, जो स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है याद है, स्टेटमेंट में गिवन है मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो ये मॉलिक्यूलर मास वाला फार्मूला हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। सो आई कैन से मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास 180 गिवन है आपको, 180 एम्पिरिकल फार्मूला मास, और एम्पिरिकल फार्मूला 6 पे गया, 6 से कार्बन मल्टीप्लाई C6H12O6 और इस तरह से हमारा ये फार्मूला सॉल्व होगा, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा, ऐसे हमारा जवाब बनेगा। तो बहुत ध्यान से समझते हुए आपने क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का मैं और लेता हूँ और ज़रा उस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि उस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। लेट मी चेक, मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूँ और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन आपका इसे मिलता जुलता ही है, इसी में मैं बदलाव ले आता हूं और इसमें देखते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा कि भाई कार्बन कितना है, 40.687, 5.085 और क्या गिवन है, देखो और गिवन है वेपर डेंसिटी और ये है 59। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें कार्बन 40.687, हाइड्रोजन इतना, वेपर डेंसिटी इतना, इससे अलग है, अलग है, आंसर भी उसी हिसाब से देना होगा आपको। तो अब यहाँ पर इस लास्ट न्यूमेरिकल को और सीख लेते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत जो भी डाउट है वो भी हमारा क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, तो पहले ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन सिंबल कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज 40.687, 5.085, सम 100 नहीं है, ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से इनको माइनस किया हमने, 54.228 ये इसमें ऑक्सीजन आ गया। एटॉमिक मासेस ये रहे 12, 1, 16। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल 40.687/12, 5.085/1, 54.228/16 और ये सॉल्व करके 3.39, 5.085, 3.38 ये आगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स।
सिंपल रेशो। अब सिंपल रेशो के लिए क्या करना है, जो इनमें सबसे छोटी टर्म 3.38 और 3.39 अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो 3.38 से डिवाइड करो, ऊपर वाले केस में कितना आएगा 1, 5.085 को डिवाइड करोगे तो 1.5, अगले को डिवाइड करोगे तो 1। तो सिंपल रेशो 1, 1.5 एंड 1 फ्रैक्शन में आ गया। अब मैंने बताया था अगर कुछ 0.5 में आता है तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा 2, 3, 2, यानी एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आके तैयार हो गया। कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा 12 × 2, 1 × 3, 16 × 2, 59, ये होगा। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है और उसके लिए हैं 2 फार्मूले, एक मॉलिक्यूलर मास का, एक वेपर डेंसिटी का। कौन सा लेंगे जो गिवन है, क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी गिवन है, तो इस वेपर डेंसिटी वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे। फार्मूला याद रखना, सो वी कैन से मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। 2 × वेपर डेंसिटी कितनी है 59, एम्पिरिकल फार्मूला मास 59, और एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O2 सॉल्व किया 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद C4H6O4, ये हमारा फार्मूला यहाँ पर आएगा, और इस तरह से अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों ये टॉपिक, जिस टॉपिक को करने में नॉर्मल क्लास में समय लगता है बहुत सारा, हमने फटाफट इसको इतने समय में ख़त्म कर लिया, सारी बेसिक बातें बता दी हैं आपको। अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके पास हम सेंड करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व कर लेंगे और उनमें से ही कोई क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में अपीयर होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर, स्कूल लिख के 9416388045 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, तभी आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ पाएंगे, जिसमें हम वर्कशीट, क्विजेस और कब कब क्लास होनी है उसके बारे में भी समय समय पे बताते रहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। क्या आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर? क्या आप तैयार हैं आने वाले जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए? अगर नहीं तो हम कर सकते हैं आपकी मदद। हमारा न्यूली डिजाइन ऑनलाइन कोर्स आपको इन एग्जामिनेशन में एक परफेक्ट स्कोर दिलवाने में, रैंक दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है। विजिट कीजिए डेमो लेक्चर्स के लिए www.chemistryvideolecture.com पर।